हेलो गाइस, आई एम नीतू कोलिया और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोलिया एकेडमी में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक्स लेकर आए हैं अपनी वीडियो में, पोल्का डॉटिंग टूल्स के साथ डिजाइनिंग पार्ट कैसे करते हैं विद जेल नेल एक्सटेंशन। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइज, ताकि आपके पास हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सो हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं और इन नेल्स के ऊपर हमें जो है सबसे पहले इस तरीके से पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को पुश करना है। और पुश करने के बाद टिप सेलेक्ट करके, क्योंकि हमारे पास 10 साइजेस होते हैं टिप के, और टिप को जो है सेलेक्ट करके इस तरीके से हम ब्लो बफर की हेल्प से ब्लो बफ करेंगे, पूरे नेल को ड्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेल बेड ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, इसके ऊपर जो है हम हाफ एरिया पर अपनी टिप एप्लीकेशन करेंगे ग्लू की हेल्प से। सभी नेल्स के ऊपर इस तरीके से टिप अप्लाई करने के बाद अब हम करेंगे इसकी लेंथ कट टिप क्लिपर की हेल्प से इस तरीके से। और लेंथ के कट होने के बाद जो है अब हम इस तरीके से साइड वॉल्स को ग्लू से फ्री करेंगे, और उसके बाद जो है एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से करेंगे साइड्स नीट, और साथ साथ हम जो टिप अप्लाई करी है उसे भी हम ब्लेंड कर देंगे नेचुरल नेल के अंदर ही। सो ब्लेंडिंग लाइन नीट करेंगे एम्ब्री बोर्ड के साथ, और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है, जैसे कि हम आज ओवल शेप क्रिएट कर रहे हैं तो शेप भी हम अभी ही क्रिएट कर लेंगे। और अब इसके बाद जो है हमारे सारे नेल्स पर जो है ब्लो बफ करना है, इस तरीके से ब्लो बफर की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ड्राई करना है, ताकि अगर हमें एक्रेलिक प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो एक्रेलिक कर सके, जेल करना है तो जेल कर सके। सो इस तरीके से सभी नेल्स को ड्राई होने के बाद इस तरीके से सारी की सारी डस्ट को क्लीन कर लेंगे। और अब अप्लाई करेंगे हम डिहाइड्रेटर सभी नेल्स के ऊपर, बट इन नेचुरल एरिया वाले पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ। और अब जो है हम सभी नेल्स के ऊपर जेल एप्लीकेशन करेंगे बिल्कुल पतली पतली एक साथ सभी नेल्स पर, विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर एंड हार्ड जेल एंड जेल ब्रश। जो ये तीनों प्रोडक्ट जो है इस स्टेप में आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना आपका स्टेप कंप्लीट नहीं होता। और अब हम अपने नेल्स को क्योर करवा देंगे। और सभी नेल्स का बेस क्योर कराने के बाद अब बारी है बिल्डर एप्लीकेशन की, मतलब कि अब हम जो जेल अप्लाई करेंगे हार्ड जेल अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा थिक करके। सो इस तरीके से अप्लाई करके सभी नेल्स पर इसे भी हम क्योर करवा देंगे। तो हमारे बिल्डर जेल को क्योर कराने के बाद जो है हम इस तरीके से जेल वाइप करेंगे विद एसीटोन फ्री, और इसके बाद जो है अब हम करेंगे बफिंग इसकी। सो जितने भी हमारे जेल के डंस एंड बम्स हैं वो सब के सब रिमूव करेंगे विद हेल्प ऑफ एम्ब्री बोर्ड की बफिंग के साथ में। और अब जो है हम ब्लो बफर की हेल्प से सभी नेल्स को अगेन बफिंग करेंगे, बट ये सॉफ्ट ब्लो बफर होता है। हमारे जो डंस एंड बम्स क्लीन होते हैं वो एम्ब्री बोर्ड से ही होते हैं, वो इससे नहीं होते। सो दैट्स वाई हम स्मूथ फिनिश के लिए जो है ब्लो बफर को यूज़ करेंगे इस तरीके से। और सभी नेल्स के ब्लो बफ होने के बाद अब बारी है हमारे डिज़ाइनिंग पार्ट की। सो सबसे पहले हम अपनी जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे, जो भी हमें बेस पर अप्लाई करनी है। तो जैसे कि हमें तीन नेल्स पर जो है ये वाइन कलर अप्लाई करना है, तो फर्स्ट को जो है हमेशा बिल्कुल पतला पतला करके अप्लाई करेंगे। और जैसे कि दो नेल्स पर हमें वाइट कलर अप्लाई करना है जिसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है, तो बाकी नेल्स के ऊपर हम इसी तरीके से वाइट परमानेंट कलर की एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश क्योर होने के बाद जो है अब हम इस सेम उसी पैटर्न से फॉलो करेंगे सेकंड कोट अप्लाई करेंगे जेल पॉलिश की, और सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके हम इसे भी क्योर करवा देंगे।
सो गाइज, अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास परमानेंट नेल एक्सटेंशन, परमानेंट आई लैशेज एक्सटेंशन, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन एंड माइक्रो ब्लेडिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको परमानेंट आईब्रोज एंड परमानेंट लिप कलर दोनों सिखाते हैं। सो अब हम इसे क्योर करा देंगे, और क्योर कराने के बाद हम जो है पोल्का डॉटिंग टूल की हेल्प से जो वाइन कलर हमने इंडेक्स फिंगर एंड पिंकी फिंगर एंड थंब फिंगर पर दिया है, उसी से ही हम पोल्का डॉटिंग टूल की हेल्प से इस तरीके से बाकी नेल्स पर डॉट्स अप्लाई करेंगे। जहाँ पर हमें फ्लावर क्रिएट करना है वहाँ पर हम जगह छोड़ देंगे। और जहाँ जहाँ पर बीच में हमने गैप छोड़ा है वहाँ वहाँ पर इस तरीके से सेम जेल पॉलिश है और पोल्का डॉटिंग टूल की हेल्प से थोड़े से बिग सर्कल्स क्रिएट कर देंगे, जिसे कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है बाद में फ्लावर की लुक में। सो इस तरीके से जो है अप्लाई करके हम सभी नेल्स को एक साथ क्योर करवा देंगे। सो सभी नेल्स को क्योर कराने के बाद अब जो है हमें जो राउंड सर्कल्स दिए थे हमने एक्रेलिक पेंट की हेल्प से इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाने हैं उसमें, ताकि उसमें रोजेस की लुक आ जाए प्रॉपरली। सो आप देखिए डिटेलिंग में कितना ये ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद, और इसके ड्राई होने तक का वेट करेंगे। इसके ड्राई होने के बाद जो है ग्रीन एक्रेलिक पेंट्स के साथ कुछ लीव्स का भी लुक देंगे, ताकि ये और ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो इस तरीके से हम जो है लीव्स क्रिएट कर देंगे ग्रीन एक्रेलिक पेंट्स के साथ। सारे वर्क को कंप्लीट होने के बाद बारी है सभी नेल्स को सील करने की। सो इस तरीके से सभी नेल्स को जो है हम नॉन वाइप यूवी टोकोट की हेल्प से, जिसे कि हम सीलर भी बोलते हैं, इस तरीके से सील करेंगे बहुत अच्छे से, और कैपिंग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे नेल्स जो हैं जल्दी से टूटे नहीं। सो अब हम जो है सभी नेल्स के ऊपर सीलर अप्लाई करने के बाद हम इसे क्योर करवा देंगे, और इसे क्योर कराने के बाद जो है ये है हमारी फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।